फोन आया जी मुंडा थोड़ा तो दिखे नहीं सुन मतलब कि होश नहीं है। अच्छा चलो मुंडे का पता करो जाकर तो मैं भी करने ले जाओ। मैं फटोफट ना किसी स्कूटरी फड़ी। अच्छा मैं लै गया अगे जिस तरह मैं पुजा मंडाल चर्च को कौन से चर्च की बात कर मंडाल चर्च। अच्छा मंडाल चर्च की बात कर मंडाल चर्च के बाहर ही ये ना बीच में मेरे लड़के को बिठाया हुआ डेड बॉडी को बिठाया हुआ एक पीछे लड़का एक आगे चला रहा था। मैंने पकड़ लिया इनको उधर ही भाई छोड़ो मेरा लड़का है मैं खुद देख लूँगा। जैसे मैंने लड़के का अपनी नब्ज़ पकड़ी तो नब्ज़ चल नहीं रही थी। छाती पे भी मैंने ऐसे कान लगा के देखा तो वो भी डेड थी। फिर भी मैंने सोचा शायद ठंड के कारण थोड़ा हो गया होगा। मैं इन्हों लैके तो इतने आ गया मेडिकल। इन्होंने ईसीजी जो की नहीं ईसीजी उन्होंने साफ कर छड़ा कि तेरा मुंडा यानी कि 23 तरीक इन्हों लैके गए ही फैलिक्स तो डैनिक तो इस प्यो भी ज़्यादा इन्वॉल्व है खुद पुलिस है क्योंकि प्यो पुलिस है। अच्छा तो किसी ना किसी तरीके मैं छक के कि यदा प्यो पुलिस की मदद ले करता है कि पुलिस अले कुछ कार्रवाई नहीं करे करते। सानू इयो पुलिस ने आख्या कि भाई जो इतों पोस्टमार्टम में रिपोर्ट आती है फिर अं अपनी कार्रवाई अगर बढ़ाएंगे। तो जब वो घर से निकला तो क्या बोल के निकला था कि किधर जा रहा हूँ कुछ ऐसे। मैंने फैलिक्स को बोला कितनी बार कि भाई तू जा जहाँ जाना है तो हमारे लड़के को छोड़ जा। नहीं अंकल जी आप अंदर जाओ हम ले जाते हैं इसको हम जाएंगे ये है वो तो जिद करके बेटे को ले गए। रात को 10:30-11 बजे ले गया। तो फ़ोन पे बात हुई आपके कि कहाँ फ़ोन पे 1:30 बजे तक बात हुई। अच्छा, वो भी मिसेज की मेरी नहीं हुई। अच्छा तो क्या बोल रहा तो बोलता था बेटा कि मैं मम्मा इधर ही हूँ मैं आ रहा हूँ 5 मिनट में 10 मिनट में ऐसे झूठ बोल दिया। अच्छा, कि मैं आ रहा हूँ 10 मिनट में 5 मिनट में आ रहा हूँ तो वो नहीं आया। मैं सोचा चलो सुबह आ जाएगा। सुबह भी मैं ड्यूटी से फ़ोन किया मिसेज को मैंने कहा आया बोलते नहीं। तो दोपहर के 3 बजे के 3 बजे भी उसके बाद 1:30 बजे के बाद उसका स्विच ऑफ हो गया। तो हमने किसको फ़ोन करना था अचानक मेरे घर वालों के उस फेलिक्स लड़के का फ़ोन नंबर था। अच्छा उन्होंने फ़ोन किया भाई बेटा हमारा बोलता है वो तो सुबह का होश नहीं कर रहा जबकि वो 24 घंटे पहले मरा हुआ है। अच्छा तो इन्होंने बताया शाम को। क्यों बताया शाम को इसका मतलब इन्होंने मर्डर किया उसका फिर या तो कहीं फेंकने जा रहे थे इसको बीच में बिठा के या कहीं छोड़ने जा रहे थे कि छोड़ देंगे पता नहीं कहाँ मरा पड़ा है हमें नहीं पता। अपने घर के थोड़ा दूर फेंकने जा रहे थे शायद जिसमें इसका पापा भी इन्वॉल्व है विशाल मट्टू फेलिक्स है एक डैनिक है तीनों है। तो मेरा बेटा अकड़ गया था ये तीनों नहीं अकड़े अकेला ही अकड़ना था ठंड के कारण वो अकड़ गया। तो बॉडी में कोई घाव घाव शायद घाव हाँ सर ये पूरा लाल है यहाँ से चेस्ट। हाँ अच्छा। मैं फ़ोटो भी दिखा सकता हूँ आपको। अच्छा फ़ोटो भी दिखा सकता हूँ पीठ पर भी पूरे लाल लाल निशान है यहाँ पर भी है निशान। ठीक ठीक मीडिया की आपके माध्यम से जितनी हेल्प हो सके हम भी इनकी करेंगे। आपकी जब पुलिस भी इनका योगदान करे सारे इनका लड़का गया हमारा भाई है छोटा तो हम चाहते हैं इनकी हेल्प हो। अगर अगर वो सेफ नहीं है वो इस चीज़ में इन्वॉल्व तो वो भी सेफ हो। अगर पुलिस ही आप जो भी करेगी पुलिस के हाथ में सर सारा पुलिस ही कर सकती है जो करेगी सर। अब डॉक्टर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएंगे तो देखेंगे ऑलमोस्ट तो लड़के की बॉडी के ऊपर गॉब तो है सर उसे कहा हाँ जी निशान पड़े हुए हैं हमें तो मर्डर का ही शक हो रहा है। बेल्ट से मरा हुआ होता है ना। अच्छा जैसे बेल्ट से मरा हुआ मेरे पास फोटो है मैं अभी दी थी मैंने फोटो। तो सर ये उम्र क्या थी उम्र 19 साल। 19 साल की हाँ। तो सर ऐसे काम क्या करता था ऐसे नहीं पढ़ता था पढ़ते 10वीं से छोड़ दी थी उसने। अच्छा तो काम शाम कुछ नहीं करता था अभी। तो जो आपने दोस्त बोला ये पहले भी आपके घर पे आते थे। हाँ हाँ आता था कोई 11 बजे 12 बजे 1 बजे रात को हाँ आना दरवाज़ा खटखटाना हमने फिर क्या करना इसके फ़ोन को साइलेंट करके रख देना क्योंकि ताकि डिस्टर्ब ना करे। हाँ डिस्टर्ब ना करे तो फिर लड़का जब भी उठता था इसका फ़ोन आता था उठता था इसके साथ चला जाता था लेकिन आ जाता था वापस। लेकिन इस बार इन्होंने पता नहीं क्या किया उसको शायद मार ही दिया इन्होंने।